ठीक है। हाँ थैंक यू यार, आपने तो 1 मिनट में साफ कर दिया। तो गाइस आई हुई वैक्स वगैरह करने के लिए। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, शुक्र लगा सबकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मुझे बहुत सारे काम है, अपनी ड्रेस के लिए भी जाना है क्योंकि कल मैंने शूट रखा है, तो शॉप पे पहले मुझे जाना था, वरना क्योंकि थोड़ा सा उनका प्रमोशन भी करना था ड्रेस उनकी शॉप का, और मुझे वहाँ से ड्रेसेस भी लानी है अपने शूट के लिए, 2-4 मुझे अच्छे अच्छे शूट कराने हैं। फिलहाल मेरे पेज पे कुछ भी नहीं है डालने के लिए। और अभी मैंने आपको जैसे दिखाया, मेरी वैक्स वाली भी आ चुकी है, मेरे वैक्स वगैरह करेंगे क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वैक्स नहीं कराई। आपको पता है मैंने ईद पे जो वैक्स कराई थी ना आपसे, वही करा रखी है ईद से, ना बकरीद पे कराई ना कब, अभी तक कराई ही नहीं वैक्स वगैरह। शाइस्ता यही बोल रही थी कि अभी आपकी ग्रोथ कम है, मैंने कहा अब हो गई, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो गाइज अब मैं इनसे वैक्स वगैरह करा लेती हूँ, बहुत अच्छी है, घर पे आके सर्विसेज देती हैं, जहाँ भी आपको बुलाना है आ जाएंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। और यार देखो बड़े बड़े सैलून में हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे लोगों को भी मौका देना चाहिए ताकि वो थोड़ा अच्छा अर्न कर सकें हम लोगों की वजह से। तो और सर्विसेज भी बहुत अच्छी देती हैं, तो आप इनको ज़रूर बुलाएं, इनका नंबर स्क्रीन पर ऐड कर दूंगी। तो अभी मैं अपना वैक्स का प्रोसेस स्टार्ट करवाती हूँ, वैक्स वगैरह कराती हूँ। मेहंदी भी लगवानी थी लेकिन अभी नहीं लग पाई है, अब इसे कल लगवाएंगे, कल ही शूट है, इमरजेंसी वाली कौन से मेहंदी लगेगी। तो अभी मैं जल्दी से वैक्स कराती हूँ, आगे और क्या क्या करूँगी अभी सारी चीज़ आपको दिखाऊंगी। वैक्स कर रही हूँ, क्या सुबह ने नाश्ता लगा दिया तुमने? हाँ कह दिया मैंने। आ रही है वो घर पे इतने जब तक हम जाएंगे। हाँ वो दोनों हमने मंगाया पिज्जा, दोनों पिज्जा खाएंगे, सुभान तो आई नहीं रहा। खाओ एक, ये भी है एक ये है। A few moments later. Guys, ये सोनिया ने मेरी वैक्स वगैरह कर दी है सब, थैंक यू सो मच सोनिया, बहुत अच्छा काम करती हो तुम। और गाइज इनका हाथ भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और घर बैठे बैठे सारी सर्विस देती है, फेशियल वगैरह, बॉडी वैक्स, बॉडी पॉलिशिंग, हर एक चीज करती है। आप जरूर इनको बुलाइएगा। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए, जहाँ मुझे जाना है। ओके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हम लोग निकल गए, मेरी कैब नीचे आ गई है, बाल मैंने शैम्पू नहीं किया तो चिपक गए पूरी तरह, मैंने ही सूट पहन लिया आज। वही क्या हमारी, हम पहुंच गए जहाँ मैं जाना था। दिखा दो जो भी पसंद हो, लेकिन मेरा बढ़िया करे कर देना। बहुत मैंने शूट किया है, फोटोग्राफर। अच्छा बहुत अच्छा शूट करता है वो, और मेकअप आर्टिस्ट तो है ही बहुत जबरदस्त। मैंने ड्रेस ले लिया है यहाँ से, सुबह क्या है ये अभी बैठो, तुम बैठो जल्दी। वाह भाई शूज कौन लाया? बड़े बड़े लाए शूज। तो गाइस हम आ गए घर पे, हम इसे मिल रहे हैं, इतना को लेने तूने किसे लगवाई मेहंदी? और गंदी मैं अब ये तुझसे बात करूंगी, तुझे पाल करूंगी। यार ऐसा क्या आज क्या पता आ जाए तो आ जाए, आओ आ जल्दी पप्पू से फाइल। हाँ आओ मम्मी यहाँ आगे बैठो भाई आप। बाय। लाइट तो चल नहीं रही भाई, खड़े होके जाओ। राफ़ी भाई कहाँ है? अल्लाह पढ़ने। तेरा अल्लाह पढ़ने। तुम कैसे बैठे हो मरीज से दोनों? अभी हम पिटे हो क्या? देखो देखो जल गई भाई लाइट। अरे वाह। अपनी बिल्ली का तारीफ। तो फैन का वो हमारे वीडियो व्लॉग्स देखते थे। फिर गई नहीं। हाँ बुला लिया अपनी बैठक में बिठाया, अंदर जल्दी से रेड बुल रेड बुल मंगाई हमारे लिए, अपने घर के सारे बच्चों के साथ फोटो वोटो, उनके घर की औरतों ने फोटो वोटो लिए साथ में, कहने लगे आपकी वीडियो देखते हैं।
मेरे खान साहब एक फोटो दे दो बच्चे को, फिर वो कहने लगे अंदर आ जाओ, फिर चिड़ू के साथ अंदर गई वहाँ पे वीडियो बनाई उनके साथ फोटो वोटो खींची, इतनी सारी रेड बुल ले आई सभी सारे जो बात है अच्छे फिर के रेड बुल की करा गई। अरे अम्मी फॉलो करते हैं मुझे, जब भी तुमने पता है कि मैं फोन ना फोन नहीं बावली है मेरी अम्मी सुभान को दे दो तमीम शूज, ये जूते पहन के जैसे भागे जरा लॉक करे, भाई को पकड़ भाई को पकड़ भाई मम्मी से कह दो चाय बना लेगी जल्दी से, चाय नहीं बन रही मैं नहीं बना रही, तुम बना लो चाय नहीं देंगी भाई हमें, नहीं मैं नहीं बना रही चलो ये तुम इसे प्यार कर रही हो ना जल्लाई, मेरा बेटा है पारा पारा ये तो अच्छा वाला है, तू अपने चाची को पा अब नहीं बोलेगा, अम्मी के चाटा खा दिए ने बहुत तेज से कर, नहीं मैंने प्यार किया मेरे भाई, तुम दादी से नहीं बोलोगे अब, लेमन पॉट टू लग रहा है बाल कटिंग, हाँ बिल्कुल लेमन लग रहा है गंदा बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, लेकिन मासूम सा लग रहा है, बहुत मासूम तो है ही वो मेरा बच्चा छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, हैंडसम बॉय हो गया अभी ये, ये सबने करा ये वाला सीन, पहले सबने इसके लगाए बाद में लगाए इसके, जितना काम दो अपने काम करती है, वो गैस पे रखी हुई थी कड़ाई अंधी हो रही थी क्या, मैंने हिंदी क्या मैं देखा मैं देखा काम करती क्या वाला सूट और अच्छा सी अपने चेहरे के ऊपर क्यों आ गई, ये सूट मुझे दे दियो, तो गाइस ये लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना और मैं खा रही हूँ खाली दही दही क्योंकि मैं हूँ डाइटिंग पर, नान खुद रो रहा है चाची कहता है चल सुबह चल रहा है देर हो रही है मारे रो लियो अब सुबह में सब आ रहे सुबह भी हो जाओ जल्दी अम्मी नमाज पढ़ रही है और हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी कैब आ चुकी है हम जा रहे हैं, मेरी लड़की बहुत प्यारी सी लड़की सुंदर राजकुमारी, पापा तुमने इसका पैर नहीं देखा, देखा मैंने हाथ ही देख लिया था, तुम्हारे आते ही आ गई थी खुशबू से, तो गाइस अभी हम लोग बैठ रहे हैं, बहन उठा नहीं सकती जहाँ मर तू रख के आई तो ढीली सी इफ्रा जिसका नाम है, खान बना रहा है हुक्का रोतू सुबह और यहाँ बन रही है चाय, मेरा पानी है उबल क्यों क्यों कोई बात नहीं आप हमें बना के दे दो और आप सो जाओ, तो कैसा आइडिया है ठीक है, तीन बंदर ये तो वो है वो उसका दम में हिलने का, हिलने खा लगा तो ये कौन है चिंता तो देखो ये पुलाव तो खत्म हो गया, ये
चल नहीं रहा। कोई क्लिप काट दे वो ऐसा उसमें मैंने छुपा ली थी। चलो कहाँ से आएंगी? तो गाइस मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मैं अपना किचन आपको पता है गंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल मुझे मतलब रात को भी अगर सोना है तो अपना किचन साफ करके सोना है। दूध ठंडा हो गया? नहीं दूध अभी गर्म है। तुम लोगों को दूध पीना हो तो पी लेना, तू तो पीती नहीं है। पूरा लगता है पर उस दिन मैंने वो खाई थी ना म्यूजली अपनी, उसमें मैंने दूध में तो मजे का लग रहा था। पर दूध पीना चाहिए रोज एक गिलास। अक्षय के व्लॉग में तो बहुत बोल रही थी उस दिन। कौन से व्लॉग में बोली मन के? तू थी एमन की। मैं जी नहीं कह सकते तुम एमन होगी के कहीं नहीं, इतनी अच्छी आवाज लगती है। गाइस आप लोग पूछ रहे थे इफ्रा क्यों नहीं आ रही, तो इफ्रा आ गई। अब इसकी छुट्टियां हुई है तो क्योंकि ये बेचारी बच्ची स्कूल भी जाती है तो पूरे टाइम तो मेरे साथ रह नहीं सकती, इसलिए अपने घर चली गई थी। बाकी अलीना इसलिए नहीं आती अब क्योंकि अलीना की मम्मी की तबीयत खराब रहती है और अलीना अपने घर जा चुकी है और अलीना अकेले यहाँ पे आ नहीं सकती। किसी दिन इंशाल्लाह होगा आएगी तो मैं आप लोगों से उसको जरूर मिलवाऊंगी। सुबह तू तो मेरे ब्लॉग के जो 4 रुपए में कमाती हूँ ना वो भी मत कमाने दे मुझे। फोन चलाता रहेगा कॉपीराइट लगवा देगा मेरे फोन पे। फोन पे लगेगा ब्लॉग्स पे मेरे। गाइस देख सकते हो मेरे 3 नंगे कपड़े पहन लिए, पजामा कोई सा, शर्ट कोई सी, दुपट्टा कोई सा। मेरा नया सूट था और वो ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया लेकिन उसमें रील्स नहीं बनी और अब हमारा आ गया है तो मेरे जो 4-5 सूट अभी नए नए सिले हैं मैं रोज तैयार होंगी और हमारे से वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छा किया मेरा मैंने ना वो अच्छा इतनी जितनी वीडियो बनाई थी ना मेरे नीचे सब तो मैंने देख ली थी ना इसलिए वायरल हो गई। वायरल है सब। और एक मेरी बहन दोबारा से एक लड़की थी कोई जानवी नाम की, खैर अभी भी वो होगी क्योंकि उसके पास और कुछ काम नहीं है, वो इतनी फ्री है। मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा उसने ना मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना कुछ कर रखा है लेकिन फिर भी मुझे देखती है। मतलब यार क्या जबरदस्त लोग हैं आज के टाइम में, नफरत करेंगे लेकिन फिर भी आके घुसेंगे देखेंगे हमें। सबसे पहले तो उसको इज्जत मतलब सॉरी उसकी तबीयत ही खराब है, उसके अंदर तमीज नहीं है एक पैसे की भी, बोलने तक की तो उसको तमीज नहीं है। तो मैं सोच रही थी इसका जवाब क्या ही दूं लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि वो कहते हैं ना कि जाहिलों का जवाब जहालत से तो दिया जाता नहीं है तो इसलिए जहालत के साथ तो मैं आपका जवाब दूंगी नहीं। आप चाहे मुझे कितनी भी तू तड़ाक करें पर मैं आपको इज्जत दे रही हूँ क्योंकि मैं इज्जत देना जानती हूँ, अच्छों को भी बुरों को भी इज्जत उतारना भी जानती हूँ। खैर ऐसी बात नहीं है लेकिन मूड नहीं है फिलहाल तो आपको अच्छे वे में ही जवाब देती हूँ कि कौन किसके काबिल है कौन किसके काबिल नहीं है ये मुझे आप नहीं बता सकती हो ठीक है। कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है अब मुझे क्या पता बहन आप कितनों के साथ घूम रही होगी क्या कर रही होगी, और ना मुझे जानना ना मुझे इतना कोई इंटरेस्ट है किसी भी की लाइफ में। मुझे तो अब अपनी ही लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारी लाइफ में कहां से होगा। तो जब तक कुछ पता ना हो तो आके बकवास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जैसे लोगों की बकवास से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझ में आई। और रही मेरी बात किसी के साथ की या किसी के मतलब साथ रहने की या उसके साथ ना रहने की, तो आप लोगों को पता ही नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जिस दिन मेरे रिलेशनशिप की श्योरिटी मुझे खुद को हो जाएगी उस दिन मैं आप लोगों को भी दे दूंगी। अभी तो मुझे खुद को ही कुछ नहीं है, मैं खुद इतनी ज्यादा मतलब उलझी हुई चीजों में, लेकिन इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि किसी ने मुझे छोड़ दिया या मैंने किसी को छोड़ दिया। और जिसकी आप बात करते हो वो मेरी वीडियोस भी देखता है और मेरे ब्लॉग्स भी देखता है, समझ में आई। मुझे मेरी हर एक चीज में वो मेरे साथ है और अगर कभी बाय चांस ऐसा कुछ हुआ भी तो उसको मैं छोड़ूंगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये हमारे चीज का शुरू से फिक्स है, उसने मुझे आज तक नहीं छोड़ा, जब छोड़ा मैंने उसे छोड़ा, समझ में आई। लेकिन पहली बात तो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, हमारी लड़ाइयां बहुत कुत्ते वाली होती है, आए दिन होती रहती है, तो हमारी लड़ाइयों को सीरियस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप जैसे लोगों को। बाकी जितनी बकवास करनी है कर लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये जवाब तुम्हें देना जरूरी था इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया पहली और आखिरी बार। आज के बाद तुम्हें आके मेरे कमेंट बॉक्स में जितना भी गंद फैलाना हो फैला लेना, मैं 1 मिनट में डिलीट कर दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मैं उसके साथ हूँ या वो मेरे साथ है, परमानेंट है या फिर टाइम पास कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से या कुछ भी कर रहे हैं, वो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते, समझ में आई। ठेकेदार मैडम जानवी गाइस आज भी मैंने जो जो किया वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर की, छोटा सा व्लॉग बनाया पर मेरा
ये रहता है कि मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो कुछ भी मैं कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।